कार्तिक जी, विद्यालय का समय समाप्त हो गया है, आप विश्राम कर सकते हैं। आप अभी भी यहाँ? मैम, आपको तो पता ही है कि इस महीने स्कूल में बॉक्सिंग चैंपियनशिप है। बस उसी के फॉर्म्स चेक कर रहा हूँ, एक बार काम खत्म हो जाए फिर निकल जाऊंगा। मुक्केबाजी की प्रतियोगिता? अरे वाह, ये तो मेरा सबसे पसंदीदा खेल है। मुझे ऐसा लगता है कि मुक्केबाजी इकलौता खेल है जिसमें एक आदमी की मर्दानगी पूरी तरह बाहर आती है। यूं लगता है जैसे दो मर्द गुस्से में आपस में भिड़े जा रहे और मानसिक और शारीरिक शक्ति का सम्मिलित रूप है। मैंने एक बार मुक्केबाजी का खेल देखा था और क्या शक्ति प्रदर्शन होता है। वाकई बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी खिलाड़ियों को। आप भी काफी मेरा मतलब है पहलवान लगते हैं। आप अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखते होंगे ना? जी। मुझे तो डर है कि कहीं कामिनी मैम ही बॉक्सिंग ग्लव्स पहन के ना आ जाए, क्योंकि गुस्सा तो उन्हें भी बहुत आता है। कार्तिक जी, चाय। थैंक यू कामिनी जी। कामिनी जी थैंक यू। अरे आप लोग भी लीजिए। विभा जी, चाय। जी, बिस्किट्स? नहीं कामिनी जी, थैंक यू। नहीं, सिर्फ चाय पीने से आपकी सेहत पे बुरा असर पड़ेगा, बिस्किट तो आपको लेने ही पड़ेंगे। आप ही दे दो। लीजिए ना। थैंक यू। अरे हो क्या रहा है, आज सूरज अपनी दिशा से निकला कि कहीं और से? कामिनी जी मैं चलता हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम करना है। थैंक यू। कार्तिक जी, एक बिस्किट और? नहीं नहीं, थैंक यू कामिनी जी, थैंक्स।